चर्चा की जाएगी, और उससे पहले की जो हलचल चहलकदमी है वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इससे पहले अगर बात की जाए तो रविवार को रामलला की मूर्ति को, और प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, 10:55 पर प्रधानमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम सामने आया था, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री के अयोध्या पहुंचने की यह खबर मिल रही है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में जन्मभूमि परिसर में दिखाई देंगे, भव्य राम मंदिर में, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच गए हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो अयोध्या एयरपोर्ट से सीधा 10:55 तक उनका राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचने का कार्यक्रम है, और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद कुबेर टीले पर दर्शन करने के बाद दिल्ली लौट जाएंगे। तो बड़ी खबर न्यूज 18 नेटवर्क के दर्शकों को हम बता रहे हैं, पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4:15 यहां रहेंगे प्रधानमंत्री, और थोड़ी देर में राम मंदिर परिसर में भी पहुंच जाएंगे। तो 4.25 अयोध्या में रहने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, और 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभ मुहूर्त है। उससे पहले लगातार यहां पूजा अर्चना का काम जारी है, और रात शाम की अगर बात की जाए तो अयोध्या लाखों दीयों से जगमगाएगी आज। सकता है, चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो, भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही एक ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। सॉरी सर। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, कौन कौन खास मेहमान पहुंच रहा है। 4.25 प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रहेंगे, ये जानकारी भी हमने आपको दी है। इसके अलावा शाम को राम ज्योति प्रज्वलित कर अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी, 10,00,000 दीयों से जगमगाएगी अयोध्या। रामलला, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, सरयू तट, लता मंगेशकर चौक, मणिराम दास छावनी समेत 100 मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम राज्य की एक नई शुरुआत हो रही है। और आज यहाँ सब हमारे शीर्ष संत महापुरुष, एक दो को छोड़ दीजिए वो अपवाद है, सब भारत के साधु संत महात्मा, हिंदू जैन बौद्ध सिख, इतना ही नहीं पूरी दुनिया के 200 करोड़ से अधिक राम भक्त प्रसन्न है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता जिसको आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं। महाराज जी, योग गुरु बाबा रामदेव को आपने सुना, और इससे पहले हम बता दें आपको रामलला की जो प्रतिमा है, नूतन विग्रह है, उन्हें विभिन्न जो तीर्थ स्थल हैं वहां से लाए गए औषधि और पवित्र जल से भरे 114 घड़ों से स्नान कराया गया। मूर्ति को मध्यादिवास में रखा गया, और इसके अलावा चेन्नई, पुणे और इसके साथ ही कई और जगहों से फूल आए, उनसे अनुष्ठान किया जा रहा है। अभिषेक अनुष्ठान जो है 16 जनवरी को सरयू नदी से शुरू हुआ था, और सोमवार दोपहर अभिजीत मुहूर्त में आज यानी कि पूरा हो जाएगा। लाखों लोग इस कार्यक्रम को टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव देखेंगे, और इसके अलावा केंद्र ने आज के दिन आधे दिन की छुट्टी को भी घोषणा की है। कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। तो एक ही नारा, एक ही नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। इससे पहले लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं,
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 500 सालों की तपस्या आज पूरी होने जा रही है। भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला आज विराजेंगे। रामलला विराजमान भी वहीं उसी मंदिर में रहेंगे। संत समाज से मेहमान पहुंचे हुए हैं, अति विशिष्ट लोग पहुंचे हुए हैं और रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का यह ऐतिहासिक अनुष्ठान आज अब से थोड़ी देर में संपन्न हो जाएगा। तो लंबा इंतजार, जो इंतजार किया गया, दशकों की तपस्या की गई, उसके बाद आज ये दिन देख पा रहे हैं राम भक्त। पूरी अयोध्या नगरी को अगर बात की जाए तो हजारों क्विंटल फूल होंगे जिनसे इस अयोध्या नगरी को सजाया गया है। और जिस तरह से रामायण में, रामचरितमानस में त्रेता युग की अयोध्या का वर्णन किया गया था, जब प्रभु राम वनवास से लौटे थे, उस तरह अयोध्या झूम रही थी, आनंदित थी, सजी सवरी हुई थी, कुछ ऐसे ही अयोध्या इस समय नजर आ रही है। फॉरवर्ड टू लंबे दिन, ओवर 500 इयर्स, एंड वी आर सो प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड टू एक्सपीरियंस दिस इन आवर लाइफ टाइम, एंड वी गो इन, we meet Ram Lalla and we pray for the entire world. Sir, thank you. Sir, please sing one line for all viewers. Ram Ram Jai Raja Ram, Ram Ram Jai Sita Ram. Go! Ram Ram Jai Raja Ram, Ram Ram Jai Sita. Bolo Jai Sita Ram! Jai Sita Ram! Ek hi nara, ek hi naam. Jai Sita Ram, Jai Sita Ram! क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? मैं तो ये कहूँ, हम सब यहाँ हैं और ये एक ऐतिहासिक क्षण है। राम तो इटर्नल हैं, तो हमेशा थे, हमेशा हैं और हम सब उनके चरणों में समर्पण ही कर सकते हैं और स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। आज के युग में भगवान राम के आदर्शों की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, विश्व को। जिस दौर से विश्व गुजर रहा है उस पर अगर हम देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारा बहुत कल्याण हो सकता है, चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो। भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही एक ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। तो विशिष्ट मेहमानों की प्रतिक्रियाएं हम आपको सुनवा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं तस्वीरें, कौन कौन कहां कहां पहुंच रहा है। अयोध्या की सजावट की हम बात करें, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो तमाम जो अयोध्या धाम के लिए मुख्य मार्ग है, वहां जब आप प्रवेश करेंगे तो आप खिटक जाएंगे, क्योंकि ये अयोध्या बदल चुकी है। अब ये बिल्कुल एक नई अयोध्या दिखाई दे रही है। भव्य श्री राम द्वार अयोध्या धाम में प्रवेश करते ही आपका स्वागत करेंगे। और पहले जब लखनऊ से होते हुए आते थे तो फिर जाम से जूझते हुए यहाँ पहुँचते थे, लेकिन अब कायाकल्प हो चुका है, चौड़ी सड़कें, अभी सड़क रामपथ बन चुकी है और साथ ही फोर लेन सड़कों पर आप जब चलेंगे, वहाँ से निकलेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा। रजनीकांत भी पहुँच चुके हैं और तमाम अलग अलग मेहमान, विशिष्ट हस्तियाँ जो वहाँ पहुँची हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तिहत्तर करोड़ से ज़्यादा की धनराशि खर्च करके अयोध्या में एंट्री करने के लिए प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इसके अलावा देखिए, हर तरफ बस जय श्री राम नारा ही गुंजयमान है। तो ये शुभगढ़ी के साथ ही अयोध्या वासियों के जीवन की अगर बात की जाए तो सकारात्मक बदलाव का अवसर ये है, अयोध्या की परिकल्पना है। निश्चित तौर पर अब ये धार्मिक पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र अयोध्या बनती हुई दिखाई दे रही है और उम्मीद की जा रही है कि निकट भविष्य में तो करोड़ों श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे और ये बदलाव की मुनादी है। लगातार हम अयोध्या की, हमारी न्याय प्रणाली को इसका श्रेय दूंगा, वहीं इस इच्छा शक्ति के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं दूंगा। इन्हीं प्रधानमंत्री में वो इच्छा शक्ति थी कि इतने रिकॉर्ड समय में इन्होंने इतना खूबसूरत भव्य राम मंदिर का निर्माण यहां पर कराया,
मैं मानता हूं कि इस कलयुग के दौर में एक नए त्रेता युग की यह शुरुआत है। जिन्होंने आलोचना की कभी प्रभु की मूर्ति को लेकर, कभी मंदिर निर्माण, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जहां करोड़ों लोग इस पल का साक्षी, आगे लोग खड़े हैं, कोई बैठेगा तब ना, मैं तो दे दूंगा, तो सारे लोग खड़े हैं, देखो मैं दे रहा हूँ अभी राम। हाँ अनिल अंबानी चिरंजीवी को आप देख पा रहे हैं, यहाँ अनिल अंबानी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तस्वीरें, राम दिवाली का ये मौका और हर कोई आनंदित प्रफुल्लित दिखाई दे रहा है। अयोध्या के सृष्टि के कण कण में व्याप्त रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और अयोध्या जहां जहां भी आप डालेंगे नजर तो आपको अयोध्या भव्य रूप में दिखाई देगी। लगातार अयोध्या के अंदर निर्माण, अयोध्या को संवारने का काम जारी है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। ये तस्वीरें जिनको लेकर तपस्या की गई, संघर्ष किया गया, आहुतियां दी गई और उस यज्ञ में जो प्राणों की आहुतियां दी गई, आज उनको भी याद करने का वक्त है और इस सपने को साकार होता हुआ राम भक्त देख पा रहे हैं। इसलिए राम भक्त जब अपने भावनाओं को बयां करते हैं तो उनका कहना है कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन राम धुन में मगन झूमते हुए प्रफुल्लित होकर यहां दिखाई दे रहे हैं। तो अयोध्या की